दोस्तों बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि भाई साहब हमें मोटर की वाइंडिंग सीखनी है, आप मोटर की वाइंडिंग हमें सिखाइए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मोटर की वाइंडिंग सिखाई जाए, और वो सिखाने का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू किया जाए, मोनोब्लॉक पंप से। देख सकते हैं आज हमारे पास में मोनोब्लॉक पंप आया हुआ है, इसकी आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस पार्ट के अंदर हम दोस्तों आपको सिखाएंगे कि मोटर की वाइंडिंग करने से पहले इसके अंदर जो स्लॉट पेपर हम इसके अंदर डालते हैं, ये स्लॉट पेपर किस तरह से डाले जाते हैं। वैसे ये दोस्तों ये प्लास्टिक वाले व्हाइट वाले जो कि स्लॉट पेपर हैं। अब इसके अलावा अगर हमें इसके अंदर मतलब हरे वाले ग्रीन वाले कागज़ वाले जो पेपर होते हैं उसको डालने पड़ जाए, तो उसको कैसे डालना चाहिए, क्या तरीका है सही पेपर डालने का। क्योंकि अगर स्लॉट पेपर आप सही से नहीं डालेंगे तो निश्चित है कि आपकी मोटर बहुत ज़्यादा दिक्कत से वाइंड होगी। तो दोस्तों स्लॉट पेपर डालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे स्लॉट पेपर डालने चाहिए, सही तरीका क्या है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहली बात ये आती है कि मोटर वाइंडिंग करने से पहले हम जो इसके अंदर स्लॉट पेपर डालते हैं वो कितने नंबर का होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, आधे एचपी एक एचपी मोटर तक आप अपने मोटर के अंदर 7 नंबर का पेपर यूज कर सकते हैं, वो चाहे कागज वाला हो और या आपका पीवीसी वाला स्लॉट पेपर हो, या आप मतलब कोई सा भी जो मतलब इसके अलावा आते हैं स्लॉट पेपर, तो वो 7 नंबर वाले आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 नंबर के अलावा इसके अंदर आप अगर मोटा लगाएंगे, 10 नंबर का लगाएंगे या 5 नंबर का लगाएंगे, तो 10 नंबर लगाएंगे तो आपकी मोटर दोस्तों टाइट हो जाएगी, और अगर 5 नंबर लगाएंगे तो 5 नंबर से आपकी मोटर के कॉइल डालेंगे और जब इसको मोड़ेंगे तो आपको वो पेपर फटने लग जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको 7 नंबर पेपर का इस्तेमाल करना है, चाहे आप कूलर की किट वाइंडिंग कर रहे हैं, चाहे आप पंखे की वाइंडिंग कर रहे हैं, और चाहे आप 1 HP की मोनोब्लॉक पंप की वाइंडिंग कर रहे हैं, मतलब 100 mm की स्टैंपिंग तक आप 7 नंबर के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों 7 नंबर के पेपर में अब बात आती है कि अब कागज वाला हमें लगाना चाहिए या पीवीसी वाला लगाना चाहिए, कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। दोस्तों इसके अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट क्या होता है ये नहीं कहा जा सकता अच्छे तरीके से, क्योंकि कॉइल को डालने में इसके अंदर एंटर करने में जो प्लास्टिक वाले पेपर होते हैं बहुत ज्यादा आसान होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा सहूलियत प्रदान करते हैं हमें। इसको लगाने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि जब हम इसके अंदर मतलब कॉइल डालते हैं तो बहुत आराम से डल जाता है, इधर उधर खिसकाना हो खिसक जाता है, हमारा जो यू है कॉइल के ऊपर आराम से चढ़ जाता है। दोस्तों जो प्लास्टिक वाले पेपर होते हैं ये हमारे मोटर को वाइंडिंग करने में मतलब आसानी प्रदान करते हैं, यानी कि हम लोगों को मतलब काम आसान हो जाता है, पेपर जो है कि आराम से चले जाते हैं, कॉइल हमारी अच्छे से अंदर हो जाती है। लेकिन इससे दोस्तों एक नुकसान भी है कि जैसे हमारी मोटर जब थोड़ी दिन तक चलती है तो क्या होता है, ये जो पेपर होते हैं दोस्तों प्लास्टिक वाले, मोटर हीट होने की वजह से ये कम से कम काले हो जाते हैं, जल जाते हैं, है जलने की वजह से अगर इसके ऊपर हल्का सा चोट वगैरह लग जाए तो मतलब ये झड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटर के अंदर करंट आने लग जाता है। वहीं पर अगर बात करें कागज वाले पेपर की, तो कागज वाला पेपर दोस्तों डालने के दौरान थोड़ा सा दिक्कत प्रदान करता है, क्योंकि ये सीधा सीधा मतलब रहता है, इधर उधर खिसके नहीं, तो इसको फोल्ड करने के लिए हमें खुद ही फोल्ड करना पड़ता है, या इसके ऊपर टेप लगाए तो मोटर हमारी टाइट हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। वहीं अगर आप प्लास्टिक वाला जब लेते हैं तो ये आपको फोल्ड करके मशीन से मिल जाता है, पर ये वाला जो पेपर है दोस्तों कोई भी फोल्ड करके नहीं देता है, तो फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, और इसको आपको हर एक को मतलब काटना पड़ेगा हर एक मोटर के लिए, यहाँ आपको कटे कटाए मिल जाते हैं, ये फर्क होता है। लेकिन इस पेपर का सबसे बड़ा एक फायदा है दोस्तों कि आप जब इसको एक बार डाल देंगे तो जब तक आपकी मोटर की क्वाइल नहीं फूक जाती है पूरी तरह से, तब तक आपका ये जो स्लॉट पेपर है दोस्तों, चाहे मोटर कितनी हीट हो जाए, ये स्लॉट पेपर आपका खराब नहीं होगा, ये झड़ेगा नहीं, ये मतलब इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये वाला सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है इसके मुकाबले, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब स्लिक होता है, मतलब फिसलने वाला होता है, और ये एक तरफ से मतलब खुरदरा होता है और एक तरफ से इस तरह से पन्नी वगैरह लगी होती है, यहाँ पर तो हमारी क्वाइल पड़ जाती है और ये हिस्सा हमारी जो स्टैंपिंग होती है बाहरी हिस्से पर पड़ जाता है, जो कि खिसकने नहीं देता हमारे पेपर को। दोस्तों कई प्रकार से मतलब ये भी सही होता है, कई प्रकार से ये भी सही होता है, लेकिन ज्यादातर जो वाइंडर होते हैं काम को अपने आसान बनाने के लिए और जल्दी करने के लिए ये वाला स्लॉट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आज भी इसी स्लॉट पेपर का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत अभी और आई है, क्योंकि ये जो स्लॉट पेपर है दोस्तों ये 50 mm का हमने मतलब ले रखा है, तो 50 mm का होने की वजह से हम इसके अंदर इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर जब डालते हैं तो ये पेपर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको इसके साइज का बनाएंगे, क्योंकि हमें मोटर की वाइंडिंग करनी है फटाफट से, तो हम क्या करेंगे इस पेपर को जो बड़ा हो रहा है हिस्सा इसको हम काट देंगे। तो चलिए फटाफट से 24 पेपर हम काट देते हैं ताकि इसके अंदर हम इसको लगा सकें। तो कितना काटना है उसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आपके पास में इस तरह का स्लॉट पेपर है तो उसको आपको एक बार इस तरह से मतलब काट करके थोड़ा सा हिस्सा आगे का है इसको आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है, हाथ से ही हमें फोल्ड करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक तरफ फोल्ड हो रखा है, एक ही तरफ हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कागज लगाते हैं तो हमें उसके अंदर मतलब दोनों तरफ काट करके पूरा फोल्ड करना पड़ेगा, तो कटे कटाए पेपर हैं तो ये थोड़े आसान पड़ेंगे। अब देख सकते हैं हमने इसको काट दिया है, तो यहाँ पे काटने के बाद में हमारा ये जो पेपर का जो साइज है दोस्तों ये पूरा आ गया है, हल्का फुल्का लूज रहना चाहिए जो कि ये अभी है।
ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसका जो स्लॉट पेपर का चुनाव करना होता है, कितना छोटा कितना बड़ा करना है ये तो आपको देख ही लेना है, मतलब इसके सट के होना चाहिए, आपकी जो क्वाइल है ज़्यादा बड़ी ना लगे, इसलिए आपको इसको बिल्कुल सटा करके ही इसके साथ में रखना है, है? ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो आपकी दोस्तों तार ज़्यादा लगेगी, इसलिए दोस्तों इसको आपको हिसाब से रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर स्लॉट पेपर डालते समय क्या ध्यान देना होता है कि जैसे आप इस स्लॉट पेपर डाल रहे हैं तो जैसे आपका ये जो पेपर है दोस्तों ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ये कोना बन रहा है तो ऐसे कोना नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपका जो स्लॉट पेपर है इस तरह से गोल रहना चाहिए, ऐसे इस तरह से गोल रहेगा तभी ये मतलब सारे तरफ मतलब जा करके ये फंसेगा, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा गोल रखना है इस तरह से, ठीक है। ऐसे कर लीजिए और ऐसे करके आप इसके अंदर इस प्रकार से स्लॉट पेपर लगाइए और यहाँ पे उंगली रख करके आप इस तरह से इसमें इस तरह से कर दीजिए और आपका ये गोल रहना चाहिए, गोल रहेगा तो आपके यहाँ कोने में भी बैठा रहेगा, जितना हो सके आपको इसको मतलब बैठा देना है ताकि इसके अंदर जगह आपको कॉयल डालने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर भी हमारा सोलर पेपर जो कि देख सकते हैं चोंच नहीं बनी हुई है, है? और इधर भी हमारा गोल है पूरा, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों सोलर पेपर डालते हैं कुछ इस तरह से, जैसे नए भाई हमारे होते हैं, है? तो ऐसे सोलर पेपर डालते हैं, वो सोचते हैं कि हमें पेपर ही तो डालना है तो क्या दिक्कत है इसके अंदर। अब इस तरह से अगर उसके अंदर स्लॉट पेपर डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए तार कहाँ पे जाएंगी, इसमें सबसे ज्यादा तार आएगी या इसमें आएगी। तो दोस्तों जब भी आप स्लॉट पेपर डालते हैं इस तरह से डालें, इस तरह से जगह बनाएं इसके अंदर, अगर इस तरह से आप पेपर डाल देंगे तो क्या होगा कि ये कई बार तो मतलब इस तरह से ऐसे उठ जाता है, कई बार पेपर ऊपर निकल जाते हैं, है? तो दोस्तों ये सेट नहीं बैठता और इसके अंदर कॉइल डालने में भी आपको दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा मत होने दें, कोशिश करें। अगर आपको मतलब पेपर डालने नहीं आता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसे करो और इस तरह से करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे इसमें डाल दो तो आपका पेपर डल जाएगा। अब ऐसे आप किससे नहीं डालता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे इस प्रकार से लीजिए एक पेचकस और एक पेपर लेकर के आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसे आप इस तरह से करके ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये गोल शेप में बन जाएगा, थोड़ा सा देखिए ऐसे गोल बन जाएगा। अब इसको अगर आप चोंच बनाना चाहेंगे ना तो भी ये चोंच नहीं बनेगा, और मतलब जैसे हमने ये वाला हिस्सा मतलब ये वाला पेपर डाल रखा है उससे भी बढ़िया ये पेपर डलेगा। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, देखिए कि हमने पेचकस के ऊपर इसको लगा लिया था इसलिए देखिए इससे भी बढ़िया तरीके से इसमें जगह बनी है, देखिए है। तो आप ऐसे भी करके मतलब पेचकस के ऊपर करके भी इसको मतलब इसके अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों अभी हमारा पेपर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और छोटा करने के बाद में इसको पेपर हम जैसे हमने आपको बताया है उस तरह से हम इसमें डाल लेंगे, और उसके बाद में हमें क्या ध्यान देना होता है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों स्लॉट पेपर हमारे सारे कट गए हैं, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड कैसे करना है, हाथ से ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया अभी, वैसे ही मैं इसको फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर करके इसको रख लेंगे, उसके बाद में हम आपको इसको डाल के दिखाएंगे कैसे फटाफट पेपर को डालते हैं। और जब भी आप इस तरह से स्लॉट पेपर फोल्ड करते हैं तो आप इसको एक बार ऐसे कीजिए, है, और ऐसे करने के बाद में इधर से जैसे कि मतलब ये हो रखा है ऐसे ही आपको करना होगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसको इस तरह से दबाइए यहाँ से और इसको ऐसे और ऐसे कर दीजिए तो आपका ये इस तरह से बन जाएगा, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका मतलब ये हाथ से मतलब मोड़ा हुआ है। तो सारे स्लॉट पेपर हमने फोल्ड कर लिए हैं, देख सकते हैं। चलिए अब इसके अंदर डालते हैं। डालने का तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, आप भी ऐसे ही डालिएगा ताकि आपको मतलब मोटर वाइंडिंग करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से रखना है, और उसके बाद में हल्का सा यहाँ से ऐसे जब दबा देना है, देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे पकड़ना है स्लॉट पेपर। किसी भी मोटर की आप वाइंडिंग करते हैं तो आपको स्लॉट पेपर इसी तरह से पकड़ना है, प्लास्टिक वाले अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या कागज़ वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ऐसे पकड़ के आपको सिंपली यहाँ कोने पर नहीं बल्कि यहाँ थोड़ा सा दूरी पर इस तरह से थोड़ी दूरी पर आप इसको पकड़िए, और दूरी पकड़ने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर पहले एक कोना ऐसे फंसाना है, ठीक है, इस तरफ में आपको एक कोना ऐसे फंसाना है, और उसके बाद में इस तरह से आपको इसके अंदर डाल देना है और हल्का सा ऐसे धक्का मार देना है। और साथ ही साथ आप इसको भी अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि इसको जो पेपर है हमारा ऐसे ऊपर निकल जाता है तो आपको इसको भी यहाँ से भी ऐसे ऐसे करके इसको दबा देना है, इसको बराबर कर देना है। मान लीजिए अगर इस तरफ में भी अगर इस तरह से हो जाए तो इसको भी आप साथ ही साथ ऐसे मतलब करते चले जाइए दूसरे हाथ से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों फटाफट से अपना स्लॉट पेपर आपको अंदर कर लेना है, तरीका जो मैंने आपको बताया ये वाला, इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों 45 एमएम की स्टैंपिंग है, इसके बाद हम वाइंडिंग करने जा रहे हैं, पूरी वीडियो आपको इसकी मिलेगी। इस पार्ट के अंदर केवल आपको मतलब ये स्लॉट पेपर डालना सिखा रहे हैं हम,
और एक मोटर के अंदर अगर पेपर फोल्ड करके मिल जाए तो कम से कम एक मिनट लगता है, है? वो पेपर हमारे डल जाते हैं। ज्यादा ज्यादा आप दो मिनट लगा सकते हैं, कम से कम एक मिनट के अंदर आपको कर देना है अपनी इतनी स्पीड बना ली है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 24 पेपर होते हैं और 24 पेपर डालने का तरीका जो है दोस्तों यही है, सबसे बढ़िया एक हाथ से उठाइए और यहीं पर आप इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद में सिंपली आपको लगा देना है मोटर के अंदर, ठीक है। ये कोई फास्ट फॉरवर्ड वीडियो नहीं है, हम जब कंपनी के अंदर काम किया करते थे दोस्तों तो मैं वहां पे ऐसे ही पेपर डालता था, हमारा रिकॉर्ड था कि एक मिनट के अंदर एक मोटर के अंदर स्लॉट पेपर हमें डाल देना है, बल्कि उससे पहले ही हम डाल देते थे हैं। और एक भी पेपर इधर उधर नहीं जाता था, एक भी पेपर मतलब खराब नहीं होता था, सब मतलब एक साइड से जैसे डलने चाहिए वैसे ही डलते थे। तो दोस्तों देख सकते हैं सारे के सारे हमारे पेपर डल चुके हैं इसके अंदर, और अगर कोई पेपर अगर बाहर निकला हुआ है टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको आप सीधा कर सकते हैं। कैसे सीधा करना होता है, जैसे कि ये देख सकते हैं ये वाला पेपर हमारा ऐसे है, तो यहाँ पे आप हल्का सा ऐसे नीचे से उठाइए और ऊपर से ऐसे दबा दीजिए, ठीक है। ये हमारे सोलोड पेपर डल गए हैं दोस्तों, इसके अंदर अगर आप कॉयल की वाइंडिंग करेंगे तो आपकी कॉयल बहुत आराम से इसके अंदर चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कॉयल बनाते हैं और इसकी वाइंडिंग करते हैं, लेकिन इस पार्ट के अंदर आपको वाइंडिंग करने का तरीका नहीं मिलेगा, अगले पार्ट के अंदर आपको वाइंडिंग करने का तरीका मिलेगा। उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि फर्मा कैसे निकालते हैं, कॉयल कैसे बनाते हैं, कॉयल डालते कैसे हैं, यहाँ तक मैं आपको अगले पार्ट के अंदर बताऊँगा। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर बस इतना ही, अगले पार्ट के अंदर दोस्तों इसका फर्मा बनाएंगे हम लोग, और फर्मा बनाने के बाद में कॉयल कैसे सफाई से बनाते हैं, और सफाई से कॉयल बनाने के बाद में अगर सफाई से क्वाइल ना बने तो भी हमें क्वाइल को डालते समय किस तरह से क्वाइलों को डालना आसान हम बना सकते हैं, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को अगले पार्ट के अंदर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सियाराम।